कुछ लोग आते हैं संविधान की प्रतियां जला देते हैं, बाबा साहब मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, मनुवाद जिंदाबाद करते हैं, लेकिन यहाँ की सरकारें यहाँ के लीडर सब चुप हैं। अपोजिशन हो या सत्ता में बैठे हुए लोग हो, तो ये हम जैसे लोग जो समाज के लोग हैं बहुत बड़ी शर्म की बात है। अगर इस देश में मनुवादी व्यवस्था द्वारा से लागू हो जाती है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले महिलाओं का सम्मान चला जाएगा। जिन लोगों को दलित आदिवासी कहा जाता है उन लोगों का सम्मान चला जाएगा, और संविधान नहीं रहेगा तो जनरल लागू होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 9 मई की घटना को आप लोगों तक पहुंचाने का काम करें। यही हम लोग 19 अगस्त में जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें मेन मुख्य मुद्दा जो रहेगा वो संविधान को लेकर के ही रहेगा कि जिस प्रकार लोगों ने संविधान का हनन किया है, समाज का अपमान किया है, पूरे देश की जनता का अपमान किया है, ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और ये हमें सोचना होगा कि उन लोगों ने किया क्यों है, क्या कारण था। वो शायद समाज को पिंच करके देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दोबारा फिर देश में दंगा हो। वो लोग अपना जो किए गए 2 अप्रैल को गलत कर लिया है, शायद उनको दोबारा दोहराना देना चाहते हैं। लेकिन भीम आर्मी के लोगों ने प्रत्येक जगह प्रत्येक साथी कार्यकर्ता को निर्देश दिए कि जिन लोगों ने संविधान को जलाने का काम किया है उनको पूरे संवैधानिक दायरे से जो संविधान में लिखा हुआ है उनको उसी दायरे में आकर सजा दिलाने का काम किया जाएगा। हम लोग कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो संविधान के से बाहर का। अब अभी चंद्रशेखर भाई के जैसे साथी पूछ रहे थे, देखिए किसी व्यक्ति को 14 महीने बिना एविडेंस के मात्र राजनीतिक तौर पर जेल में रखना ये तो न्याय की बात नहीं है, ये भी संवैधानिक मूल्यों का हनन है, मानव मूल्यों का हनन है। और अगर ऐसा ही देश में होता रहा तो इन फ्यूचर में जो देश में सरकारें आएंगी वो निरंकुश रहेंगी। समाज के लोग विरोध ना करें, आप विरोध करेंगे तो 14 महीने 14 साल 14 दिन जेल में रहेंगे। तो देखिए विरोध तो जरूरी है, बस ये है कि और सरकारें जहर थोड़ा थोड़ा देती हैं, इस सरकार ने जहर एकदम से दे दिया है कि जहां मुस्लिम मिले आप मार दो, जहां दलित मिले आप जेल में डाल दो, जिसको जितना पीट सकते हो पीटते चले जाओ, कोई व्यवस्था नहीं है। हम इन व्यवस्था के खिलाफ हैं, हम संघ के बीजेपी के कट्टर विरोधी हैं। बहुजन संकल्प महासभा में लोगों को यही बताया जाएगा कि आपका मत किस ओर जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। अगर आप वाकई ही देश हित की बात करते हैं तो आपको देश हित में काम करना होगा। अगर यहाँ की सरकारें वाकई ही देश हित के विषय में सोचती हैं तो अब तक वो लोग जेल चले जाने चाहिए थे, उन लोगों पर एन एस ए लग जाना चाहिए था। क्योंकि इस देश में गाय को मारना शायद देशद्रोह है या नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर संविधान को जला देना, बाबा साहब का अपमान करना, ये सबसे बड़ा देशद्रोह है। मुस्लिमों को फोकस कर दिया जाता है। अभी मुझे लगता है कि जल्द ही किसी मुस्लिम के मुद्दे को लेकर के विवाद उठा लिया जाएगा जिससे कि संविधान की जो प्रतियां जली है वो मामला शांत हो जाए। लेकिन भीम आर्मी सीधे तौर पर भीम आर्मी के मैनोफेस्टो में लिखा है, भीम आर्मी बनी हुई है कि भीम आर्मी सबसे पहले संविधान के रक्षक दल है। संविधान की तरफ अगर कोई उठाएगा तो भीम आर्मी शांत नहीं रहेगी। सबसे पहले संविधान का प्रयोग किया जाएगा, और जब ये देखा जाएगा संविधान का हनन हो रहा है तो वो लोग मारने में एक्सपर्ट हैं तो हम लोग मरने में एक्सपर्ट हैं। हम लोग इतनी बड़ी ताकत में सड़कों पर होंगे कि जितने लोगों को मारना चाहे उनकी छूट होगी। लेकिन जब तक है हम लोग संविधान को सुरक्षित रखा जाएगा, संविधान को जो फूकने वाले लोग हैं उनको जेल जाना होगा। यहाँ के प्रधानमंत्री भी अगर ये चाहेंगे कि वो लोग जेल नहीं जाएंगे, या यहाँ के सारे मुख्यमंत्री भी ये चाहेंगे कि वो लोग जेल नहीं जाएंगे, तो ये वादा है आपसे कि वो लोग जेल 100% जाएंगे। उन 10 लोगों को जेल भिजवाने के लिए चाहे 1 लाख लोगों को जेल जाना पड़े, लेकिन उन लोगों को जेल जाना होगा। वरना हम लोग मोदी से लेकर के संघ से लेकर के सारी राजनीतिक पार्टियों को लेकर के मोर्चा बंदी स्टार्ट कर देंगे, सब लोगों का राजनीतिक लोगों का बहिष्कार करेंगे। अगर वो लोग संविधान के पक्ष में अगर नहीं बोलते हैं तो क्लियर साफ स्पष्ट है इस आप लोगों के माध्यम से कि हम सबके विरोध में चलेंगे। जो भी व्यक्ति संविधान की रक्षा के लिए आगे आएगा हम उसके साथ हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि पुलिस प्रशासन वहां है, मीडिया वहां है, अदर प्रशासन के लोग वहां है, एलआई भी वहां होगा। परवारी जी से जब बात हुई इन्होंने फोन किया
तो इनको प्रशासन के लोग ये कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है कि वहां पर संविधान की प्रतियां फूटी गई है, वहां संविधान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, बाबा साहब मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। तो ये तो शर्म की बात है, जिस संविधान के तहत देश की सारी व्यवस्था चलती हो, जिस संविधान के तहत हम सब लोग आते हैं, उस संविधान को जलाया जा रहा है और हम लोग कानूनी तौर पर भी उन लोगों के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाते, फिर हम लोगों को कोई फायदा नहीं। 19 अगस्त को इन सभी मुद्दों को लेकर के 2 अप्रैल के जितने साथी शहीद हुए हैं, जितने साथी जेल गए हैं, उन सबको बुलाया जा रहा है। 19 अप्रैल को उन सबको सम्मानित किया जाएगा और सबको इसलिए प्रेरित किया जाएगा कि भैया अब संकल्प लेने का समय आ चुका है, देश के उन लोगों के खिलाफ, उस व्यवस्था के खिलाफ जो मनवादी व्यवस्था है, उन लोगों के खिलाफ जो इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और जब तक भीम आर्मी है, भीम आर्मी के लोग इस देश में मनुवादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ करने का काम कर रहे हैं।